हेलो फ्रेंड्स स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस परफॉर्म की में और दोस्तों आज यहां पे सात हज़ार करंट अफेयर दो हज़ार तेईस प्लस स्टेजी के का सेट नंबर आज मैं ग्यारह कराने वाला हूं जहां पे आपको वर्तमान में कौन क्या है न्यू अपॉइंटमेंट जैसे जितने भी सवाल हैं लगभग यहाँ पर सौ यहाँ सवाल मैं कराने वाला हूँ जहाँ से आपको चार से पाँच ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे तो जरूर इसके इसको ध्यान रखिएगा ठीक है इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इसकी पी अगर चाहिए इसके अगर पी चाहिए फ्री पी चाहिए तो आपको कहाँ पर जाना होगा आप लोग हमें हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में जुड़ने पर वहाँ पे इसकी वीडियो वीडियो होगी वीडियो को जस्ट नीचे जो आपको इसकी पीडफ़ मिल जाएगा अगर जिन लोगों को करंट अफेयर्स की पी ख़रीदना है सात हज़ार करंट अफेयर दो हज़ार तेईस और स्ट्रेटेजी के वाली स्विच की वो सत्तर रुपये पे करके देंगे ले सकते हैं पे कहाँ करना है फ़ोनपे पे टी एम गूगल पे इस नंबर पर पे करेंगे व्हाट्सअप कर देंगे और व्हाट्सएप पर आपको पी मिल जाएगा ठीक है जहाँ की जनवरी से लेकर आपको मई तक के जितने भी अपडेटेड करंट अफेयर्स है वो मिल जाएंगे अच्छा जिनको दो हज़ार बाईस वाले भी करंट अफेयर्स की अगर पी डी एफ चाहिए वो भी अवेलेबल है ठीक है वो भी अवेलेबल है आप ले सकते हैं जिनको अगर ऐसा लगता है कि दो हज़ार बाईस के भी कोई इंपॉर्टेंट हो जैसे कि सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से सवाल आ सकते हैं तो इसकी भी पी डी एफ एवलेबल है वो भी आपको सत्तर रुपये में मिल जाएगा जहाँ पर तीन हज़ार का कलेक्शन होगा ठीक है चलिए ये होगी और जिनको ग्यारह हजार जी के जी सिस्टर की पीडीएफ चाहिए सौ रुपए पे करके लेंगे मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए पच्चीस रूपये पे करके लेंगे जैसे अगर जिनको जनवरी दो हजार तेईस की पीडीएफ चाहिए मिल जाएगा फरवरी दो हजार तेईस की पीडीएफ चाहिए मिल जाएगा मार्च अप्रैल मई इस तरह से आपको मिल जाएगा तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे फटाफट एक नजर में पहला सवाल भारत के नए महालेखा नियंत्रक अर्थात सी जी एफ वर्तमान में कौन है तो आंसर इसका हो जाएगा एस एस दुबे पूछा जाए कौन से क्रम के हैं तो अट्ठाईसवें क्रम के हैं ये भी ध्यान रखना है आप लोग को इसका सवाल बताना होगा वर्तमान में सी जी ए ये तो सी जी ए हो गया वर्तमान में सी जी ए है सी ए जी वर्तमान में कौन है क्या कौन है वर्तमान में ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आर बी आई के वर्तमान गवर्नर कौन है शक्तिकांत दास हैं और कौन से क्रम के हैं पच्चीसवें क्रम के हैं ये भी ध्यान रखना है बी सी सी आई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है रोजर बिडनी है नेक्स्ट सवाल पे आता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसे बनाया गया है मृला मृनालिनी ठीक है मृनालिनी श्रीवास्तव को इसका बनाया गया है नया महानिदेशक नेक्स्ट सवाल पे आता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया लक्ष्मी आ, लक्ष्मी सिंह को नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पचासवें न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश ठीक है पचासवें मुख्य न्यायाधीश कौन है तो आंसर हो जाएगा डी वाई चंद्रचूट ठीक है भारत सर के सर्वोच्च न्यायालय के पचासवें मुख्य न्यायाधीश कौन है तो डी वाई चंद्रचूट ध्यान रखना है आपको आगे बढ़े एक सवाल पे कि एशिया प्रशांत डाक संघ का महासचिव किसे बनाया गया आंसर जाएगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिन्हा को बनाया गया है नेक्स्ट सवाल पे आता था इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया अनिल कुमार को बनाया गया है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है राजीव कुमार है नेपाल के नए ने प्रधानमंत्री कौन है ध्यान पुष्प कुमार दहल प्रचंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है आगे बढ़ते हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने सुखविंदर सिंह सुक्खू आगे बढ़ेंगे गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर किसे नियुक्त किया गया अश्वनी वैष्णव को जो कि वर्तमान में रेल के, केंद्रीय रेल मंत्री है ठीक है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है आंसर हो जाएगा मनप्रीत मोनिका सिंह को अमेरिका में संसद के जो संसद के निचले सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए उनका नाम है केविन मैक आगे बढ़ेंगे सवाल पर नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया गया है ए सी चारणिया को हड़वा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एवस्टर किसे नियुक्त किया गया स्मृति मंदाना को नियुक्त किया गया है आगे बढ़ेंगे कोलंबिया विश्वविद्यालय के दो तो सौ अड़सठ वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है मिनोचे साफिक को ठीक नेक्स्ट सवाल पे आता है कि अमेरिकी परिषद के सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है जनानी रामचंद्रन आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए क्रिस हिपकिंस और आगे बढ़ेंगे नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इंड एम डी सी एल के ब्रांड अम्बिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है नेकाजरीन और कहाँ किस खेल से इनका संबंध है बॉक्सिंग से कहाँ के रहने वाले तेलंगाना के और बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यह या भी याद रखेगा नेक्स्ट सवाल पे आते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है रेखा शर्मा स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के ब्रांड अम्बिनिस्टर कौन बनी है हरमन हरमनप्रीत कौर बनी है ठीक नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले सीईओ किसे नियुक्त किया गया माधवेंद्र सिंह को नेक्स्ट सवाल पे आते प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया समीका रवि को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है विवेक देवराय नेक्स्ट सवाल पे आता है कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन ठीक नेक्स्ट सवाल पे आता कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है विनय मोहन कात्रा लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं वी मिश्रा साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स आगे बढ़े सवाल पे कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के, था के। बासठवें सत्र के अध्यक्ष बनी है रुचिरा कम्बोज ध्यान रखना है नेक्स्ट सवाल पे आते संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान सत्र के वर्तमान सत्र के अर्थात सतरवें जो सत्र है इसके अध्यक्ष कौन बनी सावा करोसी कहाँ के हैं हंगरी के हैं ये भी ध्यान आपको रखना है नेक्स्ट सवाल पे आते संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है एंटोनियो गुटेरस कहाँ के पुर्तगाल के हैं यूट्यूब के नए सी कौन बने हैं नीलमोहन नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के वर्तमान जो सीईओ ई हैं वो है बीवी बी आर सुब्रमण्यम बात करते हैं यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है आयुष्मान खुराना को देश के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है सैली ओबराय को आगे बढ़ेंगे सवाल पर इसरो के दसवें वर्तमान अध्यक्ष कौन है एस सोमनाथ है डी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है समीर कामत ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है नए डिल्मा रोसेफ वर्ल्ड बैंक के नया अध्यक्ष कौन है अजय बंगा फेमिना मिस इंडिया की ओर मैं बात करूँ दो कौन बनी है नंदिनी गुप्ता भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनकर लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला थल सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है मनोज पांडे बात करते हैं वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है विवेक राम चौधरी नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है आर हरि कुमार सी की पहली महिला वर्तमान अध्यक्ष कौन है नल्ला थम्बी क्लायसेल सीआई काल सी आई सी एस आई आर का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अगर आगे बात करते हैं सी बी आई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है प्रवीण सूद भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सी आई आई के नया अध्यक्ष कौन बने रणवीर कौर बनी है ये पहली महिला इस आयोग की पहली महिला होंगी ये यू जी सी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जगदीश कुमार एप्पल कंपनी के वर्तमान सी यू कौन है टीम कुक आई सी सी के वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रेक बर्कले यू पी एस सी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है धर्मेंद्र प्रधान है भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है नरेंद्र सिंह तोमर है भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है किरण रिजिजू कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है सिद्धा रमैया महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एक नाथ सिंधे तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन ये पाँच छः नाम जरूर ध्यान रखिएगा ठीक संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया एमी पॉप को मुंबई स्थित एम एम वन के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया महावीर सिंह फोगाट को नैस्कोम की अगर मैं बात करूँ नास्कोम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अनंत महावेश्वरी को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अरुण सिन्हा को अखिल भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है कल्याण चौबे भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के वर्तमान कौन कोच कौन है राहुल द्रविद ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन है ओलिवर डाउडन नए उप प्रधानमंत्री यहाँ पे बने हैं और के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन ऋषि सुनक राष्ट्रीय सचिवालय का सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है संदीप सिंह को टीसीएस कंपनी के ए, एवं, किसे बनाया गया है राजेश गोपीनाथन को सेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है सुचिंदर कुमार को आगे बढ़ेंगे सवाल पे भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है सुषमा पटेल एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपा अध्यक्ष कौन है मासा सुग आसाका एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है अशोक लवासा आगे बढ़ेंगे हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दिलीप टर्की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है तैयब इकराम यूरोपियन फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है अलेक्जेंडर सेफरीन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया शांति कुमारी को आगे बढ़ेंगे सवाल पे हवार लॉ रिव्यू के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया अप्सरा अय्यर को फिक्की के महा सचिव कौन नियुक्त हुए हैं सैलस पाठक फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया आंसर हो जाएगा सुधा शिव कुमार को निक्षय मिश्रा निक्षय मिश्रा जिसे टीवी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेस्डर किसे बनाया गया दीपा मलिक दीपा मलिक को ठीक है जो कि एक एथलेटिक है और पैरा एथलेटिक है ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है इंद्रजीत गिल हैं जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है फुमिदो किशिदो हैं ठीक है चलिए नवाड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है के वी साजिश है भारत के वाईसवें विधि आयोग के वर्तमान तो अध्यक्ष कौन है ऋतुराज अवस्थी हैं भारत के भारत के सेकंड सीरियस कौन बने हैं अनिल चौहान पहले कौन थे आपके ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कांग्रेस के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है मल्लिका अर्जुन खड़गे भारत के वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है आर वेंकट रमणी नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के वर्तमान सी अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू है एस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दिनेश खारा है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है पी टी ऊषा आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नासा के नव स्थापित मून टू मास प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया अमित छत्रिय को डब्ल्यू के वर्तमान अध्यक्ष कौन है डॉक्टर टेडोस केबरेस एस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है माधवीपुरी बुछ है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराजपाल कौन है मनु सिन्हा तो गाय जैसा कि मैंने बोला था कि आपको सौ क्वेश्चन के आसपास में कराऊंगा यहाँ पे क्लियर नाइन्टी एट क्वेश्चन मैंने करा है जो कि वर्तमान में कौन क्या है और न्यू अपॉइंटमेंट में जैसे सवाल है तो आप इसे ज़रूर रख लीजिएगा इसकी पी मैंने फिर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि कहाँ पर मिलेगी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री पी आपको यहाँ से मिल जाएगा डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ लीजिएगा यहाँ से तीन से चार मार्क्स के आपको मार्क्स आपको दिला जाएंगे एग्जाम में ठीक है तो चलिए इस वीडियो में बताइए थैंक यू वेरी मच